नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो भाई, हाई स्पीड ड्राइविंग का शौक तो बहुतों को होता है, चाहे आप इंडिया की बात कर लें या फिर कहीं और की। हर जगह कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने गाड़ी को सड़क पर चलाते नहीं बल्कि उड़ाते हैं। और अगर बाई चांस गाड़ी चलाने वाला कोई कम उम्र का लड़का है और उसके पास कोई ऐसी कार है जो एक्सेलरेटर को छूते ही गोली की तरह निकल जाए, जैसे कोई स्पोर्ट्स कार या फिर महंगी कार, तो वो चीज़ समझिए आग में घी डालने का काम करती है। लेकिन हाई स्पीड में गाड़ी को कंट्रोल करना काफी मुश्किल काम है, खासकर तब जब आप किसी ऐसे रोड पर चल रहे हो जो गाड़ियों से भरी हो, यानी आपके अगल बगल भी गाड़ियां चल रही हों। अभी रिसेंटली हुआ रोल्स रॉयस वाला एक्सीडेंट तो आप सभी को बहुत अच्छे से याद होगा, कैसे हद से ज्यादा तेज रफ्तार में इसने कहर मचाया था। आज फिर से वैसा ही कुछ सामने आ रहा है, जिसे कुछ व्यूअर्स ने शेयर किया है। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें। यह एक्सीडेंट रिसेंटली अमेरिका के कैलिफोर्निया में फोर्ड मस्टैंग और लैंड रोवर डिस्कवरी के बीच हुआ है, जिसका लाइव वीडियो भी है। यहाँ पर हुआ क्या कि कैलिफोर्निया के सेंटा रोजा में एक हाईवे पर पीछे से हद से ज्यादा तेज रफ्तार में एक मस्टैंग आती है और अनकंट्रोल होकर सीधा सामने चल रहे डिस्कवरी के बैक साइड में घुस जाती है। बताया जा रहा कि मस्टैंग की स्पीड करीब 160 किलोमीटर पर आवर से भी ऊपर थी और इसे 18 साल का एक लड़का चला रहा था और पुलिस वाले इसका पीछा भी कर रहे थे, क्योंकि एक तो ये हाई स्पीड में था, इसके अलावा इसने फेक लाइसेंस प्लेट भी गाड़ी में लगाया हुआ था। साथ ही ये भी बताया जा रहा कि इसके पहले भी इस लड़के ने ऐसे हाई स्पीड में गाड़ी दौड़ाया है और जब पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की तो भाई गोली की तरह गाड़ी को भगा कर निकल गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज गोली के सामने टाटा का ये टैंक आ गया, जो इसके रफ्तार को ऑन द स्पॉट थाम दिया। 160 प्लस की स्पीड सुनकर आप अच्छे से समझ सकते हैं कि सिचुएशन कितना भयानक था, और ये क्लियरली दिख भी रहा है। जबरदस्त इंपैक्ट से मस्टैंग का राइट साइड फ्रंट खत्म हो गया है, इसका बोनेट, बम्पर, हेडलाइट, फेंडर और व्हील सब कुछ काफी बुरी तरह से डैमेज हो गया है। इसके अलावा साइड में इसके डोर्स डैमेज हुए हैं और रूफ वगैरह थोड़ा बहुत मुड़ गया है। वहीं डिस्कवरी को देखें तो इसका भी काफी बुरा हाल हो गया है। डायरेक्ट इंपैक्ट से एसयूवी का बम्पर टूट गया, व्हील निकलकर बाहर आ गया और पैसेंजर साइड डोर डैमेज हो गया है। इसके अलावा डिवाइडर में लड़ने की वजह से गाड़ी के लेफ्ट साइड फ्रंट में भी थोड़ा बहुत नुकसान आया है। बात करें अंदर बैठे लोगों की तो फॉर्चुनेटली दोनों ही गाड़ियों के सारे पैसेंजर्स बिल्कुल सेफ थे, किसी को इसमें ज्यादा चोट नहीं आई है। तो भाई, यहाँ जिस तरह से मस्टैंग की स्पीड थी और जितना भयानक तरीके से इसने टक्कर मारा है, उस हिसाब से दोनों ही गाड़ियों में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं आया है। खासकर मस्टैंग को देखा जाए तो इतने जबरदस्त इंपैक्ट के बाद भी इसका ए पिलर बिल्कुल वैसा का वैसा ही इंटैक्ट है। थोड़ा बहुत डैमेज आया है इसमें, लेकिन ना ये मुड़ा है और ना ही कोलैप्स हुआ है, जिससे पता चल रहा कि इसकी बिल्ड क्वालिटी कितनी ज्यादा खतरनाक है। खैर, अच्छी बात यह थी कि इसमें किसी को चोट नहीं आई या कोई और गाड़ी चपेट में नहीं आई। अगर इतने स्पीड में मस्टैंग किसी नॉर्मल गाड़ी से लड़ी होती तो नो डाउट काफी नुकसान हो जाता। फिलहाल मस्टैंग के को ड्राइवर सीट पर बैठे 17 साल के लड़के को पुलिस ने छोड़ दिया है, लेकिन ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया है।